नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा। गुरुग्राम पुलिस ने बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट प्रवीण यादव के घर से 14 करोड़ रुपए कैश, 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और 7 लग्जरी कारें बरामद की हैं, जिनमें बीएमडब्ल्यू, जीप और मर्सिडीज जैसी विदेशी कंपनियों की कारें भी शामिल हैं। यह बरामदगी गुरुग्राम पुलिस ने यादव की पत्नी ममता यादव, बहन ऋतु और अन्य साथियों को गिरफ्तार करने के साथ की है। बीएसएफ का डिप्टी कमांडेंट गुरुग्राम के मानेसर में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में पोस्टेड है। प्रवीण पर खुद को आईपीएस अफसर के तौर पर पेश करते हुए लोगों से करीब 125 करोड़ रुपयों की ठगी करने का आरोप है। यह रकम एनएसजी कैंपस में कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के नाम पर ली गई थी। गुरुग्राम पुलिस के एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह के मुताबिक प्रवीण को स्टॉक मार्केट में करीब 60 लाख रुपयों का लॉस हुआ था और इसने इस रकम का घाटा पूरा करने के लिए लोगों को ठगने की योजना बनाई थी। वहीं पुलिस के मुताबिक यादव को हाल में ही त्रिपुरा की राजधानी अगरतला ट्रांसफर किया गया था, लेकिन लोगों को ठगने से बड़ी रकम मिलने के कारण उसने ट्रांसफर पर जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसने अभी कुछ दिन पहले ही सीधे अपनी नौकरी से ही इस्तीफा दे दिया था। कि एक प्रवीण यादव नाम का व्यक्ति जो मानेसर की एनएसजी कॉम्प्लेक्स में अपने आप को आईपीएस ऑफिसर बताता था और वहाँ पे हमारे को काफी लंबे चौड़े टेंडर देने के लालच में और उन्होंने हमें झूठे उसके अलॉटमेंट लेटर देके और हमारे से 65 करोड़ रुपए अपने। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।